साल 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक विशाल कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, जो दिसंबर 2021 में 900 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। इसके बाद भव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए आने वाली लाखों की भीड़ को देखते हुए मोदी सरकार ने सुग्रीव पथ के नाम से नया कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया, जिसकी लंबाई 290 मीटर हो। और अब जब यूपी के जिला मिर्जापुर में स्थित माँ विंध्यवासिनी धाम के लिए भी विंध्य कॉरिडोर का निर्माण 331 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है, इसके चलते माँ विंध्यवासिनी धाम जाने वाली सड़कों को विंध्य कॉरिडोर के तहत चौड़ा किया जा रहा है। पहले ये सड़कें काफी सक्रिय हुआ करती थी, लेकिन अब सड़कों को चौड़ा करने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। लेकिन एक इससे भी अच्छी खबर यह है कि अभी माँ विंध्यवासिनी धाम में विंध्य कॉरिडोर का काम पूरा भी नहीं हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या, उनका समर्पण भाव, उनकी श्रद्धा और धाम को आने वाला दान लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु ने माँ के गर्भगृह में सोने से उसे मढ़ने के लिए 20 किलो सोना देने की बात कही, क्योंकि माँ विंध्यवासिनी मंदिर का गर्भगृह, इसको मढ़ने में करीब 20 किलो सोने का इस्तेमाल होगा। गर्भगृह के जो अंदर की दीवारें हैं उन्हें खालिस सोने से मढ़ा जाएगा। महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले एक उद्योगपति ने मिर्जापुर की डीएम प्रियंका निरंजन से मुलाकात की और माता के गर्भगृह को सोने से जड़वाने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद उन्हें डीएम से इसके लिए मंजूरी भी मिल गई। डीएम प्रियंका निरंजन और नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने गर्भगृह की नपाई कराई और बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि आने वाली 26 फरवरी को विंध्य विकास परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये सारा मसौदा तैयार किया जाएगा। माँ विंध्यवासिनी धाम में माँ के श्रद्धालु द्वारा बी फॉरेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड करके एक कंपनी है, उनके स्वामी जो उनके माँ के भक्त हैं उनके द्वारा गर्भगृह में उसको स्वर्ण परत से चढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है और उनके द्वारा लगभग व्यय का भी आकलन किया गया है, जिसको लेकर विंध्य विकास परिषद की एक बैठक 26 फरवरी को प्रस्तावित है और इसमें आगे जो भी इनका प्रस्ताव होगा उस पर चर्चा कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी जो प्रस्तावित श्रद्धालु द्वारा आकलन जो दिया गया है वो 3 से 4 करोड़ के बीच में। कितना सोना लगेगा? लगभग उन्होंने जो एस्टीमेट दिया है वो 10-15 kg का दिया है कि इसमें 3.5 से 4 करोड़ का व्यय आएगा और जिससे मां के गर्भगृह को स्वर्ण परत से मंडित किया जाएगा। आपको बता दें कि यूपी का मिर्जापुर शक्ति आराधना का एक प्रमुख स्थल है। इस जिले में मां विंध्यवासिनी देवी का एक प्राचीन मंदिर है। विंध्य पर्वत पर स्थित इस मंदिर का जिक्र वेदों पुराणों में भी मिलता है। ऐसी मान्यता है यहाँ आदि शक्ति माँ विंध्यवासिनी जागृत स्वरूप में विराजती है। ये शक्तिपीठ भारत की 51 शक्तिपीठों में शामिल है और इसे महाशक्तिपीठ का दर्जा हासिल है। लेकिन ये बाकी शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। सिर्फ यहीं पर आदि शक्ति के पूर्ण स्वरूप की पूजा होती है, जबकि अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक के रूप में पूजा होती है। मान्यता है कि विंध्यवासिनी देवी के आशीर्वाद से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक विंध्यवासिनी देवी ने ही महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था। इसी वजह से आज भी शक्तिपीठ के रूप में ये मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मां के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहां जरूर पूरी होती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।